अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ अरे नवाज। निगार के वालदा निगार के वालिद से बात करती है कि आप निगार के बारे में सोचें, हम निगार की शादी के बारे में बातचीत करते हैं। वो पहले निगार से और उसके बारे में बात करते हैं कि पहले उससे तो पूछ लें। निगार से बात की जाती है तो निगार कहती है, नहीं पापा पापा, मैं पहले डॉक्टर की तालीम मुकम्मल करूँगी, डॉक्टर बनने के बाद फिर शादी करूँगी। डॉक्टर बनने के बाद उसकी शादी करवा दी जाती है जिसका नाम जौहर होता है। जौहर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन जौहर को बाद में कैंसर हो जाता है जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। और निगार जब को पता चलता है कि ये बीमार जौहर को वो कैंसर है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और आज के आपको आगे देखेंगे एंड में ये होगा कि मेडिकल कॉलेज की जनरल बन जाती है। और फिर उन्हें अपने शोहर का काम बहुत ज़्यादा सताता है और वो रोने लग जाती हैं। जौहर उसे दिलासा देते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, वो उसे कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें बताया नहीं होता। लेकिन वो उसके मेज़ पर आते हैं, अंदर आकर बैठते हैं और फाइल खोलते हैं और उसमें उनको अपनी रिपोर्टें मिलती हैं जिस पर साफ साफ वाज अल्फाज में लिखा होता है कि 4th स्टेज कैंसर है जिसमें कुछ ही मंथ या कुछ ही दिन जी सकेंगी ये आदमी। और वो ये पढ़कर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब।